फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसक में। देखिए, इसमें एक चीज़ आ चुका है आपका, UPPC 2020 का कैलेंडर जारी हो चुका है। इस पूरी वीडियो हम डिस्कस करें पूरे कैलेंडर के बारे में। ढेर सारी चीज़ें आपकी एस एम आज रही हैं, लेकिन BU के लिए प्री मेंस दोनों दे जा चुका है इसमें, UPPC प्री मेंस भी और एग्जाम जो टाइपिंग डेट होने वाली है, वो सब सारी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करें फ्रेंड्स ट्यूबवेल ऑपरेटर एग्जाम अपडेट्स को, जो ज्वाइनिंग को लेके है। अधिशासी अभियंता के मिश्रा जी से बात हुई है और लगभग 500 से ऊपर कॉल इनको किया जा चुका, काफ़ी ये परेशान हो चुके हैं। बट थोड़ी जरूरी भी थे ये चीज़ें, लेकिन अब आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी है ये सारी डिटेल्स में बताऊंगा। मॉर्निंग से मुझे लगभग 1000 से ऊपर मैसेज मिल चुके हैं चारों ग्रुप में, और सबसे रिक्वेस्ट की जाए, सब लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं क्या क्या बताऊंगा इसमें, अभी क्या क्या करना है आपको, तो चले वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही साथ क्रैश कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है आपको। देखिए ये है आपका पूरा, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये पूरी है, बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे ऊपर है आपका ये सहायक समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का टाइपिंग टेस्ट को लेके है। तो ये 18/1/2020 मतलब 18 जनवरी से शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्रामर ग्रेड वन वाला है, तो ये 19 जनवरी से होगी। यूनानी चिकित्सा अधिकारी, ये आपका 20 जनवरी से है। सहायक अभियोजन अधिकारी, ये 16 फरवरी से है, ठीक है आपका। सहायक वन रक्षक अधिकारी, क्षेत्रीय वन रक्षक अधिकारी, ये आपका 23 फरवरी को है। खंड शिक्षा अधिकारी, देखिए इसी को लेके स्पेशली है। और BU की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को होगी। कंप्यूटर सहायक की 5 अप्रैल को है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, ये मुख्य परीक्षा जो 2019 वाला है, ये 20 अप्रैल को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा 20 अप्रैल से। सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा जो होगी 16 मई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन आयोग, ठीक है, ये है आपका 7 जून से है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ये 11 नंबर का है, जो आपका PCS प्री 2020 ये होने वाला है 21 जून को पूरा है आपका, ठीक है। 21 जून को हो गया है, अभी से तैयारी अपना पूरा स्टार्ट कर दीजिएगा। ढेर सारी वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। और नेक्स्ट है आपका उद्योग विभाग में, ये तो आपका 30 तारीख को है। नेक्स्ट सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 वाला जो है वो आपका अगस्त में गया है, 16 अगस्त को होगी, ठीक है। नेक्स्ट खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा जो है वो 13 सितंबर को है। देखिए BU वाला ये दोनों इसी साल करवा देगा पूरा, मुझे लगता है फाइनल भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा, मतलब PCS 2020 जो मुख्य परीक्षा होगी वो 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर को होगी। सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी PCS जो FOR वाला होता है, ठीक है, वो 3/12/2020 मतलब 3 दिसंबर को। तो ये थी पूरी डिटेल्स इसकी, अब डिस्कस कर लेते हैं उसको ट्यूबवेल ऑपरेटर से रिलेटेड। तो देखो अगर हम विजिट कराना चाहो तो ये ट्यूबवेल ऑपरेटर ग्रुप नंबर 4 है, यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे हैं, ढेर सारी चीज़ है। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ढेर सारे मैसेज पड़े हैं यहाँ पे लोगों के, लोग रवीश कुमार जी को मैसेज कर रहे हैं, जो जिन्हें अभी रेमन मैक्सेस से काफ़ी एग्जाम लेके वो अपडेटेड रहते हैं, सारी चीज़ भेजते रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और देखा, ये भी पूरा ग्रुप फुल हो चुका है, ये आप देख लीजिएगा। अब लगता है मुझे नया ग्रुप फिर से बनाना पड़ेगा। यहाँ से देख लेते हैं 245 टूट, अभी काफ़ी लोग को रिमूव करना पड़ा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं, इसमें है आप ग्रुप के माध्यम से तो आपको डिटेल्स दे ही जाए, देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए ये, ठीक है, ये है आपके इन सब डिपार्टमेंट में जो सिंचाई विभाग में है। अब देखिए मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, ये देखो ढेर सारे डिटेल्स हैं, तो इसमें एक मिनट देखिए, ये कौशलन सिंह जी के द्वारा कमेंट किया गया है महेंद्र सिंह के लिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सिंचाई विभाग के लिए। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं, ये लोग ये काम करते रहिए। कुछ और चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको दोस्तों, एक छोटी सी बात है, एक्सियन जी से जो बात हुई है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। हेलो, देखिए ये थोड़ा परेशान हो चुके हैं, इनके वॉइस से रिकॉर्डिंग नहीं लग रहा है। 7 जनवरी को जब हम वहाँ पर आए थे तो हमें बोला गया था 15 जनवरी तक ओपन हो जाएगा, तो मेरा नंबर आप किसने दिया कि किससे मिला था, क्या मिला था मालूम नहीं है, किसने बोला रहे हो तो क्या करना था, किसी ने आपको बोला होगा तो आप बता ही रहे कि मेरा कब मिलेगा। तो सर वहाँ का कोई ना,
देखिए इनके अकॉर्डिंग कहना है इनका कि भैया इनके पर्सनल नंबर पे बार बार कॉल ना की जाए, 500 कॉल ये अटेंड कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जब डिपार्टमेंट में सभी लोग 7 तारीख को गए थे, आपको मैंने वीडियो बना के दिया भी था, तो उसमें ये कहा गया था कि 1 हफ्ते बाद लिंक मतलब चालू हो जाएगी, वहाँ से आप आवंटन करेंगे। ठीक है, अभी इन दोनों लोगों में यूपी डेस्को और इनके खुद के डिपार्टमेंट में आपस में पता नहीं क्या चल रहा है कि इधर उधर का काम कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी अपडेट नहीं। लेकिन ये है कि आपका प्रेशराइज, आप इनके पर्सनल नंबर पर कॉल मत कीजिए, ये मैं भी कहना चाहूँगा, क्योंकि उनका पर्सनल नंबर है। और आप जो डिपार्टमेंट का नंबर है उस पर कॉल करिए, मैंने सब कुछ ग्रुप में दे रखा है, और कुछ डिटेल चाहिए तो मैं दे दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ सिंचाई मंत्री, सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं उनकी पूरी डिटेल्स मैं ग्रुप में दे दे रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ बता नहीं सकता यहाँ पे, पूरी डिटेल्स दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मैसेज करिए उनको, करिए। ठीक है, रवीश कुमार जी को बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो करना हो तो कर दीजिए उनको। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट करना है आपको, कि कुछ ही दिन बाद मैं ये चीज़ डेट भी डिसाइड करूँगा, आप सिंचाई विभाग के मंत्री से मिलिए, जो राज्य मंत्री, इनसे मिलिए, इनके बाद काम में अपडेशन हो सकती है, काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। अदरवाइज़ आपको आगे की प्रोसेस तो पता है, माननीय हाईकोर्ट भी जिंदाबाद है, उसके बाद उन्हीं की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक ये जो छोटी नॉर्मल प्रक्रिया है, ये आप प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, ये यहाँ से काम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ लगभग 4 से 5 साल हो गए पूरी वैकेंसी में, और दिन रात सब मैसेज कर रहे हैं, सब परेशान है काफ़ी, अब क्या बताऊँ मैं। बट ये काम कर लीजिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के माध्यम से। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर, थैंक यू सो मच, चलिए धन्यवाद।